हेलो गाइस चलिए देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी में और बैंक निफ्टी में कहाँ पे हमें बायर सेलर का स्टॉप लॉस मिल सकता है और किस तरह से उसके अकॉर्डिंग कल के दिन हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो देखिए बड़ा ही जबरदस्त किस्म का दोनों साइड का मोमेंटम हुआ निफ्टी फिफ्टी में बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत साइडवेस्ट था बट इसमें दोनों तरफ का मोमेंटम हमें देखने मिला पहले सेलिंग में गया फिर बाइंग में गया फिर से सेलिंग में आया अब इस वाले चार्ट में देखिए हमें कुछ नहीं मिलने वाला ना तो यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस मिलेगा ना ही सेलर का वो क्यों क्योंकि देखिए मार्केट पच्चीस हेयर का सपोर्ट लिया यहाँ पे बायर्स आने का कोशिश किया उसके बाद ये गिरावट के बाद कोई भी बायर्स होगा ना यहाँ पे कम्प्लीटली मार्केट ने उसको ट्रैप कर लिया जो भी हमें बायर् सेलर का स्टॉपलेस मिलेगा ना इस वाले चार्ट में तो इस वाले चार्ट को समझ लेते हैं पहले इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ तो देखिए इसमें क्या हमें समझ में आ रहा है मार्केट पहले अपसेट का मोमेंटम किया उसके बाद सेलिंग में आ गया अब देखिए ये जो मोमेंटम है ना मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंट्री लिया है वो क्यों क्योंकि मार्केट बड़ा अच्छा सेलिंग में जा रहा था राउंड लेवल का ब्रेकडाउन दिया अब ये जो घुमाया ना ये मेरे लिए कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बायर्स मार्केट में एंट्री लिया उसके बाद पच्चीस हजार के ब्रेकआउट के बाद रिटेलर्स बाइंग करने का कोशिश किया गया फिर से ये सार्प सेलिंग कर दिया अब इसमें कोई भी पोजीशन बनाया हुआ उन्हें रिटेलर बाइंग किया होगा पच्चीस हज़ार के ब्रेकआउट के बाद तो मार्केट ने उन्हें रिट्रेसमेंट करके निकाला भी है अब देखिए मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके बायर्स को रिटेलर को निकाल दिया है तो कल के दिन अगर हमें फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप या छोटा मोटा गैप डाउन तीनों ही कंडीशन में हम बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे दिक्कत कब हो जाएगा मार्केट अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दे चौबीस हज़ार नौ सौ आठ अगर मार्केट ओपन होते ही कोई रेड कैंडल सार्क बना देता है या फिर ये सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन करके ट्रेड करने लगता है वैसे सिचुएशन में हम थोड़ा बहुत वेट करेंगे और स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे उसके बाद काम करेंगे ठीक है मेरे हिसाब से मार्केट में ज़्यादा बड़ा कोई गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए क्योंकि मार्केट जो भी यहाँ पर बाइंग वगैरह किया होगा ना मार्केट ने उसको कम्पलीटली निकाल दिया है कल के दिन हमें छोटा मोटा गैप अप या फ्लैट में हम आराम से यहाँ पर क्या करेंगे कॉल साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि मार्केट सेलिंग में आया है पच्चीस हज़ार के नीचे क्लोजिंग दिया है तो यहाँ पे कोई भी पोजीशन बनाया होगा ना उन सब का स्टॉप लॉस हमें पच्चीस हज़ार के ऊपर और इस लेवल के ऊपर हमें मिल सकता है ठीक है तो ये अपना कल के लिए निफ्टी फिफ्टी का प्लान है बैंक निफ्टी को देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है वैसे चार्ट में अगर सीधा देखें ना तो समझ में आ रहा है कि हाँ मार्केट बावन हजार का रेजिस्टेंस लिया बड़ा अच्छा धीरे धीरे सेलिंग में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे अच्छा खासा सेलर बैठा है लेकिन क्या था ना बैंक निफ्टी में था एक्सपायरी अब एक्सपायरी वाले दिन में होता क्या देखिए पुट जो भी बाई सेल करते हैं ना तो उनको क्या है ना मार्केट नीचे क्लोजिंग दे दिया किसी ने कॉल पुट शॉर्ट किया होगा उसको आराम से प्रॉफिट मिल गया होगा किसी ने पुट बाय किया होगा अगर पोजीशन नहीं काटा होगा तो उसका भी प्रीमियम जीरो हो गया होगा वैसे मैं वही अंदाजा लगाना कि यहाँ पे सेलर बैठा है या फिर उसका प्रीमियम जीरो जीरो हो गया वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है तो बैंक निफ्टी में ओपनिंग देखेंगे मोमेंटम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाएंगे और लेवल के अकॉर्डिंग काम करेंगे फ्लैट या फिर गैप गैपडाउन के केस में मार्केट जब तक सपोर्ट के ऊपर रहता है इक्कावन हज़ार सात सौ इसके ऊपर ऊपर रहता है तब तक क्या करेंगे कॉल साइड के ट्रेड पे फोकस करेंगे ब्रेकडाउन करता है तो रिटेसमेंट के साथ कैंडल वगैरह देखेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम यहाँ पे ट्रेड बनाएँगे अप के केस में मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो देखिए बावन के आसपास आके देखेंगे मार्केट रिजेक्शन वगैरह किस तरह से लेता है अगर कोई वीक वाला कैंडल बना के थोड़ा बहुत धीरे धीरे सेलिंग में जाने का कोशिश करता है तो कॉल साइड के ट्रेड पे फोकस करेंगे छोटे से वीक के साथ बाकी कोई सेलिंग वगैरह आता है ना डायरेक्टली यहाँ से तो थोड़ा बहुत देखिए मार्केट क्या होता है ना टाइम पास कर सकता है मॉर्निंग में तो वेट कर लेंगे आराम से देखेंगे किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड डिसाइड करेंगे क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको वन मिनट वन मिनट सॉरी वन डे टाइम फ्रेम पर अगर दिखाऊँ ना तो यहाँ पर एक और साइकोलॉजी बना हुआ है मार्केट क्या किया वन डे टाइम फ्रेम पे देखिए इसका ब्रेकआउट दिया ठीक है ब्रेकआउट देने के बाद अभी रिटेल्स लिया वैसे में क्या देखिए बायर्स क्या करते हैं ना यहाँ पे फिर से एक्टिव हो जाते हैं पोजीशन वगैरह ऐड करने की कोशिश करते हैं तो यही थोड़ा सा सेंटीमेंट साइकोलॉजी जो समझ में आ रहा है ना तो उन सबको मिला के कल थोड़ा बैंक निफ्टी में वेट करके काम करेंगे बाकी निफ्टी फिफ्टी का व्यू बिल्कुल क्लियर है तो ये अपना कल के लिए प्लान है अगर बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है ना किसी भी इंडेक्स में तो बिल्कुल आराम से वेट करेंगे स्ट्रक्चर वगैरह बनने देंगे उसके बाद ट्रेड बनाएंगे ठीक है तो ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में